नंबर एक, गरम रोटी के साथ दही बिल्कुल भी ना खाएं। नंबर दो, रोजाना प्याज खाने से शरीर में ताजा खून बनता है। नंबर तीन, अगर आपको कमजोरी भी महसूस होने लगे तो गर्म दूध में दो खजूर डालकर पीने से शरीर को ताकत मिलती है। नंबर चार, गुड़ खाने से शुगर जैसी बीमारी नहीं होती। नंबर पाँच, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाने से गले में इन्फेक्शन हो जाता है। नंबर छः, रोज़ाना नीम की दातुन करने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। नंबर सात, आलू बुखारा खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, वज़न कम होता है, हाड़ को हेल्थी रखता है और कब्ज की दिक्कत को भी ठीक करता है। नंबर आठ, सूती और हल्के रंग के कपड़ों को पहनने से गर्मी कम लगती है। नंबर नौ, अगर गैस की परेशानी रहती है तो कुछ देर पैदल चलने से गैस की दिक्कत दूर हो जाती है। नंबर दस, रोज़ाना नींबू पानी पीने से शरीर का वज़न धीरे धीरे कम होता है। नंबर ग्यारह, फर्श पर लेटने से कमर दर्द में राहत मिलती है। नंबर बारह, अगर पाँव में मोच आ जाए तो बर्फ़ की सिकाई करने से इसे आराम मिलेगा। नंबर तेरह, अगर आपको बेचैनी और थकावट महसूस होने लगे तो अनार के जूस में थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर पिए। नंबर चौदह, अगर आपके चेहरे पर जाइया और झुर्रियाँ आने लगे तो चेहरे पर रोज़ाना खीरे लगाए, कुछ दिनों में चेहरा साफ हो जाएगा। नंबर पंद्रह, रोज़ाना 4 से 5 बादाम खाने से शुगर और दिल की दिक्कत नहीं होगी। नंबर सोलह, टमाटर का सूप पीने से वज़न कम होता है, ये त्वचा और आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नंबर सत्रह, गंजापन दूर करने के लिए धनिया का रस लगाए, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। नंबर अट्ठारह, सुबह का नाश्ता नहीं करने से इंसान का शरीर फूलता है और हाजमा भी ख़राब हो जाता है। नंबर उन्नीस, मोबाइल को कभी भी 90% से ऊपर चार्ज नहीं करना चाहिए। नंबर बीस, बादाम का हलवा खाने से घुटनों और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 21, बदहजमी से बचने के लिए खाने को धीरे धीरे खाएं। नंबर 22, अंगूर खाने से बाल गिरना बंद हो जाता है। नंबर 23, गीली मिट्टी की खुशबू को सूंघने की ताकत बढ़ जाती है। नंबर 24, रात के समय अनार खाने से दिमाग को बहुत ही ताकत मिलती है। नंबर 25, पान के पत्ते को सूजन वाली जगह पर रगड़ने से सूजन कम हो जाती है। नंबर 26, लगातार एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक देखने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। नंबर 27, दोपहर के समय रोज़ाना खाना खाने के बाद आराम करने से याददाश्त बढ़िया होती है। नंबर 28, लेट कर पढ़ने से दिमाग कमज़ोर होता है। नंबर 29, सुबह खाली पेट आम नहीं खाना चाहिए, इससे शरीर में गर्मी बनती है। नंबर 30, खट्टा आम खाने से शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। नंबर 31, ज़्यादा थूकने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। नंबर 32, पेट में गैस बदहजमी को दूर करने के लिए पुदीने का इस्तेमाल करें। नंबर 33, जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं उनकी याददाश्त तेज होती है। नंबर 34, नहाने के तुरंत बाद अपने कानों के पीछे तेल लगा, याददाश्त तेज हो जाएगी। नंबर 35, अगर अपने दिमाग को मजबूत करना चाहते हैं तो दही में बादाम मिलाकर अपने माथे की मालिश करें। नंबर 36, पानी को पीते समय पानी को देखकर पीने से नज़र तेज होने लगेगी। नंबर 37, रात को सोते समय आँखों में सुरमा लगाने से आँखों की रोशनी तेज होती है, ये हमारी नबी की सुन्नत है। नंबर 38, दालचीनी का इस्तेमाल बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और वजन को घटाने में भी मदद करता है। नंबर 39, सुबह खाली पेट शहद को गर्म पानी में मिलाकर पीने से डिप्रेशन दूर होता है और वजन भी कम होता है। नंबर 40, जो औरतें भैंस के दूध में चने भिगोकर खाती है उनके शरीर का दुबलापन दूर होता है और शरीर को ताकत मिलती है। आई हो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करें और टिप्स अपने डॉक्टर के अनुसार ही फॉलो करें। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक